आज के वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में बेबी हेड डाउन कब करता है, बेबी हेड डाउन पोजीशन का लक्षण क्या होता है। बहुत से महिला ऐसे होती हैं जिनको पता ही नहीं लगता है कि बेबी का हेड डाउन हुआ है या नहीं, जबकि बेबी का हेड डाउन हो चुका रहता है, उनको पता ही नहीं रहता है, उनको लक्षण से अंदाजा भी नहीं हो पाता है कि बेबी ने अपना हेड डाउन किया है कि नहीं, बेबी ने अपना सिर नीचे किया है कि नहीं। और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे प्रेगनेंट महिला के मन में ये भी सबसे डर ये रहता है कि बच्चे ने अपना गर्भनाल अपने गर्दन में लपेट तो नहीं लिया। ऐसा हर प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होता है, लेकिन मोस्टली प्रेगनेंसी के दौरान देखा गया है कि बच्चे ने अपना गर्भनाल लपेट लिया है। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन कभी कभी हो जाता है, जबकि बेबी हेड डाउन कर भी लेता है और गर्भनाल लपेटाए रहने के द्वारा बेबी की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डरने वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी, स्वस्थ होगी और आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। प्रेगनेंसी में स्ट्रेस आपके बॉडी के लिए, आपके बच्चे के लिए हानिकारक होता है, तो इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आपको उस समय समझदारी से अपने डॉक्टर के साथ सारी अपनी प्रॉब्लम शेयर करके आप प्रेगनेंसी को स्मूथ रखने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन तो आते ही रहते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेस लेकर बैठ जाए। कॉम्प्लिकेशन अगर है तो हल निकालना भी आपका काम है, आप हल भी निकाल सकते हैं, इसलिए डॉक्टर के संपर्क में आपको रहना चाहिए। हर एक हफ्ते अपने प्रेगनेंसी की रूटीन चेकअप कराने के लिए डॉक्टर से जाना चाहिए, क्योंकि हम खुद डॉक्टर नहीं हैं जो इजीली हम पता कर सके कि प्रेगनेंसी में कब कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है और कॉम्प्लिकेशन आ भी गई है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, इसलिए डॉक्टर की सलाह बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर बच्चे ने हेड डाउन नहीं किया है तो आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर डिलीवरी के 24 घंटे यानी कि 9 मंथ के दौरान डिलीवरी होने में अगर 24 घंटे लेबर पेन शुरू भी हो गए हैं और बेबी ने अपना हेड डाउन नहीं किया है, तो 24 घंटे पहले भी बेबी ने अपना हेड डाउन करता है। मोस्टली प्रेगनेंसी के दौरान देखा गया है। डॉक्टरों का भी यह मानना है कि जरूरी नहीं कि 8वें महीने में बेबी का हेड डाउन होना चाहिए या 9वें महीने में ही बेबी का हेड डाउन होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस में डॉक्टरों ने देखा है, उनका मानना है कि 24 घंटा 48 घंटा पहले ही बेबी अपना हेड डाउन किया है और उनकी नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से सक्सेस हुई है। तो आपको इन बातों को लेकर टेंशन नहीं होना है, घबराना नहीं है। अगर बात करें कि 8वें महीने के एंड में या 9वें महीने के पहले दूसरे सप्ताह में बेबी ने अपना हेड डाउन कर भी लिया है तो कौन कौन से लक्षण है, सबसे पहले तो आपकी लोअर बॉडी पे यानी कि प्राइवेट पार्ट पे आपको बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा आपके प्राइवेट पार्ट पे लोअर बॉडी पे प्रेशर पड़ता है, लेकिन उस समय जब बेबी अपना हेड डाउन कर लेता है तो आपको बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है, आप और बार बार जाते भी है और आपको लगता है कि यूरिन पास करके आए, फिर से आपको यूरिन महसूस होती ही है, फिर से आपको लगता है कि यूरिन पास करने जाता है, ऐसी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो जाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी बेबी की मूवमेंट में जो है थोड़ी सी कमी हो जाती है, क्योंकि बेबी का सर नीचे आके अटक जाता है। प्राइवेट पार्ट के सर्विस मुंह खोलने में बेबी अपना तैयारी करने लग जाता है, बॉडी को स्ट्रेट करने लग जाता है, जैसे कि बच्चेदानी का मुंह खुले और बेबी आसानी से डिलीवर हो सके। तो बेबी का जो पैर है ऊपर की तरफ हो जाता है, तो पैर की ही थोड़ी सी आपको मूवमेंट समझ में आएगी और वो पैर ऊपर की ओर है तो आपको ऊपर की एरिया में ही महसूस होगी। तो आपको इसको भी लेकर घबराना नहीं है कि बेबी का मूवमेंट जो है नीचे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर क्यों समझ में आ रहा है। नीचे जो आपका एरिया होता है उस समय आपको टाइट भी महसूस होगा, वहाँ टाइटनेस आपको समझ में आने लगेगा। तो ये एक सटीक लक्षण है, बेबी ने अपना हेड डाउन नीचे अपना हेड डाउन किया कि नहीं, ये सटीक लक्षण आपको समझ में, ये लक्षण आपको 100% बताएगा कि बेबी ने अपना हेड डाउन कर लिया है। अगला लक्षण ये होता है कि दोनों टांगों के बीच लगेगा कि कुछ फंसा हुआ है, अटका हुआ है। जैसे ही आप 8वें महीने की अपेक्षा 9वें महीने में कुछ चलने में थोड़ी सी आपको पैर की जो कदम है, आपकी जो चाल है उसमें डिफरेंट आ सकता है, उसमें अंतर आपको लग सकती है कि पहले की चाल और अब की चाल में आपको बदलाव नजर आ सकती है। तो ये भी बहुत बड़ा सिम्टम है, बहुत बड़ी लक्षण है आपकी बेबी ने सर नीचे कर लिया है इसका। और अभी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम ये होता है कि बेबी जब हेड डाउन कर लेता है, बेबी जब नीचे की ओर आ जाता है, उस समय आपको फॉल्स लेबर पेन आने की शुरुआत हो जाती है। कभी कमर में दर्द, कभी अभी की वीडियो में ऊपर से दर्द होके आपके पेट की तरफ आने लगेगा, कभी पेट के दाएं हिस्से में दर्द होगा, कभी कमर के निचले हिस्से में यानी कि लोअर बैक पेन आपकी शुरू हो जाएगी। ये सब जो साइन होते हैं फॉल्स लेबर पेन के साइन होते हैं। तो बेबी अगर हेड डाउन कर रहा है या करने की अवस्था में है या कर चुका है तो फॉल्स लेबर पेन इमीडिएटली शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी सिम्टम होती है बेबी हेड डाउन के लिए।
तो आप इन सिम्टम को नजरअंदाज न करें। ऐसे आपके प्रेगनेंसी के दौरान हो रहे हैं या 8वें महीने के लास्ट सप्ताह में भी हो सकते हैं या 9वें महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में भी हो सकते हैं, क्योंकि 9वें महीने शुरू होते ही आपको 10 दिन 15 दिन पहले से लेबर फर्स्ट लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि फर्स्ट लेबर पेन के बाद टाइम रहता है डिलीवरी के टाइम के डिलीवरी के लिए, लेकिन फर्स्ट लेबर पेन ये साइन देते हैं कि बच्चे ने अपना हेयर डाउन कर लिया है और वो अपने बॉडी को स्ट्रेट कर रहे हैं। बच्चे पूरी तरह से मैच्योर हो चुके होते हैं और वो तैयारी खुद को अपने आप को तैयार कर रहे हैं शिशु नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो ये साइन बहुत ही बड़ी होती है, आपको जरूर से समझना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट लेबर पेन कैसे आता है, क्या होता है, कब आता है, इन वीडियो ये बातें आपको समझ में अगर नहीं आ रही है तो इसके लिए भी मैंने वीडियो डिटेल में दी हुई है, चैनल पे जरूर आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।